Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, विच इज़ बेस्ड ऑन गुरु हरगोबिंद. इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट 1 एंड 2 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी हूँ. अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. इवनिंग तक यूनिट 3 का सेकेंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा. नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक. सो क्वेश्चन नंबर 8, ब्रीफली डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू पॉलिसी बाय गुरु हरगोबिंद. ऑल्सो डिस्कस इट्स मेन फीचर्स एंड रिजल्ट्स. सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन. गुरु हरगोबिंद सिक्स्थ गुरु वॉज अ सन ऑफ गुरु अर्जन देव जी. अर्जन देव जी जो फिफ्थ गुरु थे उनके बेटे गुरु हरगोबिंद सिंह जो आगे चलकर सिक्स्थ गुरु बनते हैं उनके बारे में हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है. इल एंड इनह्यूमन ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू हिज फादर बाय द मुगल एम्परर जहांगीर. सो ही डिसाइडेड नॉट टू फॉरगिव द मुगल फॉर दिस हीनियस क्राइम. उस टाइम पर जो पूरे इंडिया में रूल कर रहे थे वो कौन थे? मुगल रूलर जहांगीर. उस टाइम पर जो सिखों के लीडर थे वो कौन थे? गुरु अर्जन देव जी. मुगल एम्परर जहांगीर ने बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिए सिखों के खिलाफ ताकि वो लोग जो है डरकर अपने धर्म को कन्वर्ट कर वो इस्लाम धर्म में आ जाए और जो इस्लाम धर्म है वो धीरे धीरे फ्लॉरिश करना स्टार्ट हो जाए इंडिया में, जिसके तहत उन्होंने जितना हो सके इल ट्रीटमेंट किया, बुरा व्यवहार किया सिखों के साथ. इवन जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी जो पाँचवें गुरु थे सिखों के उनको शहीद भी किया. तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने डिसाइड किया कि वो उन्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे और इस चीज़ का बदला लेंगे मुगलों से. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड हिज फॉलोअर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द मुगल्स ही मेड अप हिज माइंड टू ट्रांसफॉर्म द पीस लविंग सिख इनटू फॉर्मिडेबल सोल्जर्स. इन सारी कंडीशंस को देखते हुए गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने डिसाइड किया कि अगर उन्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने धर्म के फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करना है, तो उन्हें जो है अपने धर्म के जो पीस लविंग लोग हैं जो शांतिपूर्वक अपने धर्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उन्हें सोल्जर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उन्हें हथियार उठाने सिखाने पड़ेंगे ताकि वो वक्त रहते मुगल्स को जवाब दे पाएँ और यूनिटी मेंटेन कर पाएँ अपने लोगों के साथ, ताकि कोई भी कल को अगर मुगल्स उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं तो वो मिलकर उस चीज़ का जवाब दे सके. नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी सर्कमस्टांसेस, यानी किन सिचुएशंस के अंडर रहते हुए गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट की. सबसे पहला पॉइंट है आपका मैट्रोडॉम ऑफ गुरु अर्जन. द मैट्रोडॉम ऑफ गुरु अर्जन एट द हैंड्स ऑफ जहांगीर. सो उस टाइम पे जो मुगल रूलर थे जहांगीर, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को शहीद किया था, जिसकी वजह से सिखों और मुगलों के बीच का जो रिलेशन था वो बहुत ही वर्स हो गया. इस मैट्रोडॉम के बाद सिख जो है टोटली अंगेंस्ट हो गए मुगल एम्परर के. सेकेंड पॉइंट है लास्ट मैसेज ऑफ गुरु अर्जन देव. गुरु हरगोबिंद वॉज इंस्पायर्ड बाई द मैसेज दैट हिज नोबल फादर हैड लेफ्ट फॉर हिम. गुरु हरगोबिंद कहीं ना कहीं अपने जो फादर थे उनका जो लास्ट मैसेज था उससे भी बहुत इंस्पायर्ड हुए. एडवोकेटिंग अ न्यू पॉलिसी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उन्हें जो है अब न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर वो सिख धर्म के लोगों को बचाना चाहते हैं. सो ही स्टार्टेड इम्पार्टिंग मिलिट्री ट्रेनिंग टू द सिख अलॉन्ग विद द स्पिरिचुअल गाइडेंस. सो गुरु हरगोबिंद जो सिक्स्थ गुरु बने उन्होंने लोगों को स्पिरिचुअल गाइडेंस यानी रिलेटेड टू गॉड वो नॉलेज तो दी ही दी, साथ में उन्हें ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की मिलिट्री की दैट वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके जो भी मुगल एम्परर उनके साथ उस टाइम पर क्रुएलिटीज़ कर रहे थे. थर्ड पॉइंट है कमिंग ऑफ जट्स इन द फोल्ड ऑफ सिखिज्म. द स्ट्रॉन्ग बिल्ड ब्रेव एंड क्रेजियस जट अम्ब्रेजिंग सिखिज्म. जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिक्स्थ गुरु बने उस टाइम पर बहुत सारे जो जट हैं उन्होंने भी सिखिज्म धर्म को अपनाया और ये जो जट लोग होते हैं काफ़ी क्रेजियस बहादुर होते हैं. दीज जट्स वर लवर्स ऑफ फ्रीडम बिकॉज ऑफ द करेक्टर नेचर ऑफ द जट्स. इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द गुरु हरगोबिंद टू अडॉप्ट अ पीसफुल पॉलिसी. और उसके रहते हुए साथ के साथ ये भी था कि जो भी जट उस टाइम पर सिखिज्म धर्म को अपना रहे थे वो सारे के सारे फ्रीडम को अम्ब्रेस करते थे. उन्हें फ्रीडम पसंद थी, वो किसी भी जो धर्म है उसके डोमिनेंस के नीचे नहीं रह सकते हैं, वो कोई भी ऐसी क्रुएलिटीज़ नहीं सहने वाले थे. तो जो जट थे वो बाय नेचर ही ऐसे थे कि वो बहुत बहादुर थे, तो जिसकी वजह से भी एक रीज़न माना जाता है गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने नई पॉलिसी अपनाई जिसमें उन्होंने जितने भी सिख धर्म के लोग हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की. फोर्थ पॉइंट है टू सेव एंड लिबरेट हिज फॉलोअर्स फ्रॉम द एट्रोसिटीज ऑफ द मुगल्स. गुरु हरगोबिंद टू अडॉप्ट अ न्यू पॉलिसी वॉज हिज डिसायर टू लिबरेट एंड सेव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम द टायरनीज ऑफ द मुगल्स. अब गुरु हरगोबिंद सिंह की नई पॉलिसी अपनाने का रीज़न ये भी था क्योंकि उस टाइम पे मुगल एम्परर जो थे वो बहुत ही क्रूअल थे, वो बहुत गलत पॉलिसीज़ और स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रहे थे सिखों के खिलाफ ताकि वो जो सिख धर्म है वो और ज़्यादा स्प्रेड ना हो और लोग जो हैं उसके फॉलोअर ना बने और वो लोगों को डरा कर जो है वो
मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो ये सारी एट्रोसिटी से बचाने के लिए गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने नई पॉलिसी अपनाई ताकि वो उन लोगों को आज़ाद करवा सके, अपने फॉलोअर्स को बचा सके। फिफ्थ पॉइंट है हिज ओन इम्प्रिजनमेंट। कॉज ऑफ द न्यू पॉलिसी वॉज द बिटरनेस जनरेटेड इन द माइंड ऑफ गुरु हरगोबिंद बिकॉज ऑफ हिज ओन इम्प्रिजनमेंट इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर। जब मुगलों ने जब देखा कि गुरु हरगोबिंद सिंह को काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं, उनकी पॉपुलैरिटी इंक्रीज़ हो रही है, तब उन्होंने क्या किया, उनको जो है जेल में पकड़कर डाल दिया ग्वालियर के फोर्ट में। इट बिकम वेरी क्लियर टू द गुरु अबाउट द इल विल एंड द इविल डिजाइंस ऑफ द मुगल अगेंस्ट द सिख। तो ये सारी चीज़ देखते हुए गुरु हरगोबिंद सिंह को ये क्लियर हो गया था कि जो मुगल्स हैं वो सारे सिख धर्म को ख़त्म करना चाहते हैं और उनको कन्वर्ट करना चाहते हैं मुस्लिम्स में, और जो भी उनकी मंशा है, जो भी वो करना चाहते हैं, वो बहुत ही गलत है। तो ये सारी चीज़ों को उन्हें तब पता लगा जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी को पकड़कर जेल में डाला गया। आपका हेडिंग है फीचर्स ऑफ गुरु हरगोबिंद न्यू पॉलिसी। सबसे पहला पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ टू स्वॉर्ड्स, मीरी एंड पीरी। गुरु हरगोबिंद स्टार्टेड वेयरिंग टू स्वॉर्ड्स, वन फॉर द टेम्पोरल मीरी एंड द अदर वन फॉर स्पिरिचुअल यानी पीरी। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने दो जो स्वॉर्ड्स है वो पहननी शुरू की। एक स्वॉर्ड होती थी जो स्पिरिचुअल गॉड से कनेक्ट करने के लिए है, और दूसरी स्वॉर्ड क्या है, अपने आप को और अपने सिख धर्म को बचाने के लिए थी। तो ये मीरी और पीरी क्या है, दो स्वॉर्ड्स हैं, यानी कि आप कह सकते हो तलवारें थी। तो आप ये कह सकते हो कि उन्होंने न्यू पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, क्योंकि इससे पहले किसी भी जो सिख गुरु हैं उन्होंने जो है वॉयलेंट होकर जो है सिख धर्म के लिए ऐसा कुछ नहीं किया था। हिज वेयरिंग ऑफ द स्वॉर्ड सिग्निफाई द रोल ऑफ द मिलिट्री लीडर एज वेल एज दैट ऑफ द स्पिरिचुअल गाइड। सो उनके जो दो स्वॉर्ड्स पहनने का मेन ये सिम्बलाइजेशन क्या था कि एक तो वो मिलिट्री लीडर हैं और दूसरा वो स्पिरिचुअल गाइडर हैं जो लोगों को रिलेटेड टू गॉड नॉलेज भी देंगे। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने नई पॉलिसी स्टार्ट की दो स्वॉर्ड्स पहनने की। लेकिन आपका पॉइंट है इंट्रोड्यूस द न्यू सिस्टम ऑफ एक्सेप्टिंग हॉर्सेस एंड वेपन्स एज गिफ्ट। इससे पहले जितने भी सिख गुरु थे, सिख लोग जो थे गुरुओं को अपना गिफ्ट भेजते थे ओनली इन द फॉर्म ऑफ मनी। पर जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिक्स्थ गुरु बने तो उन्होंने लोगों से बोला कि आप जो मुझे गिफ्ट है वो इन द फॉर्म ऑफ हॉर्सेस और वेपन्स भेजो। तो इस तरीके से उन्होंने ये पॉलिसी भी चेंज कर दी ताकि वो जो हॉर्सेज हैं और जो वेपन्स हैं उसका इस्तेमाल कर सके मुगल एम्परर से लड़ने के लिए और अपनी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थर्ड पॉइंट है फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर। गुरु स्टार्टेड द वर्क ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर की अमृतसर शहर जो था उसके चारों तरफ उन्होंने बड़ी दीवारें खड़ी करनी स्टार्ट कर दी, उस शहर को प्रोटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि कल को अगर मुगल्स जो हैं वहाँ पर शहर में अटैक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें जो है स्ट्रॉन्ग दीवारें खड़ी की हुई हैं, तो उनको आने में टाइम लगेगा और वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप को सेव कर लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बड़े बड़े किले जो है फोर्ट बनाना स्टार्ट किया। उनमें से एक सबसे पहला फोर्ट जो आज तक फेमस, दैट इज़ लोहगढ़ फोर्ट, जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने इस पॉलिसी के अंदर बनाया था। फोर्थ पॉइंट है सिम्बल्स ऑफ क्रिएटिंग अ स्टेट विद इन अ स्टेट। वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ गुरु हरगोबिंद लाइक मेंटेनिंग आर्मी, फोर्टिफिकेशन ऑफ अमृतसर, रेजिंग द फोर्ट ऑफ लोहगढ़, कंस्ट्रक्शन ऑफ अकाल तख्त, टेकिंग ऑफ पोलिटिकल डिसीजन, अडॉप्शन द टाइटल ऑफ सच्चे पातशाह एंड लेडिंग अ किंगली लाइफ स्टाइल एटसेट्रा गिव द इम्प्रेशन दैट इन पंजाब द गुरु वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ स्टेट विद इन द स्टेट इन द हार्ट ऑफ मुगल एम्पायर। सो उस टाइम पर क्या था, जो भी पूरे इंडिया में रूल चलते थे वो मुगल एम्पायर के थे। बट गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने क्या किया कि उनके अंगेंस्ट जाकर कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि ऐसा लग रहा था कि स्टेट के अंदर एक और स्टेट क्रिएट होती जा रही है जिनके अपने ही रूल्स रेगुलेशंस हैं, अपने ही कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी थी, उन्होंने अपनी आर्मी मेंटेन करनी शुरू कर दी, लोगों को बोला मुझे हॉर्सेस और जो है गिफ्ट में वेपन्स दो ताकि वो लोग मुगलों के खिलाफ लड़ सके। अमृतसर शहर को सेव करने के लिए उसके चारों तरफ जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी, लोहगढ़ का किला जो है वो बनाना शुरू किया, अकाल तख्त जो है वो कंस्ट्रक्ट कर दिया। अकाल तख्त मीन्स ऐसी सीट जो पावरफुल है, वहीं से पूरे सिख धर्म के लिए जो है जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी हैं वो वहाँ पर उन्हें प्रीच करेंगे। टेकिंग ऑफ पॉलिटिकल डिसीजन, जितने भी राजनीतिक तौर पे डिसीजंस हैं वो गुरु हरगोबिंद सिंह जी लेने शुरू हो गए अमृतसर के। देन अडॉप्शन ऑफ द टाइटल, उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया सच्चे पातशाह का। उसके अलावा उनका जो लाइफस्टाइल था वो किंग जैसा था, काफ़ी रॉयल लाइफ जो थी उन्होंने अपनी जो है चेंज की। इससे पहले जितने भी गुरु थे वो इस तरीके से किंगली लाइफ जो थी वो इन्जॉय नहीं करते थे। सो ये सारी चीज़ों से क्या क्रिएट हो रहा है कि एक स्टेट जो है जो मुगल की थी उसके विदिन जो अमृतसर शहर है पर एक और स्टेट बनती जा रही है जो किसके अंडर है, गुरु हरगोबिंद सिंह जी के। पॉइंट है ऑफरिंग ऑफ
कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर्स, कि गुरु हर गोबिंद सिंह जी के न्यू पॉलिसी के अंडर जो भी प्रेयर्स और वर्शिपिंग का स्टाइल था वो इस तरीके से था कि जो भी धार्मिक एक्टिविटी की जाएगी वो सिखों को यूनाइट करेगी और साथ के साथ उनके बीच में कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज करेगी, ताकि कल को अगर फ्यूचर में मुगल्स उन पर अटैक भी करें तो वो मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर उनके अगेंस्ट खड़े हो सके, अपनी आवाज़ उठा सके। पॉइंट है बैटल्स विद द मुगल्स इन सेल्फ डिफेंस। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को बचाने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उनके साथ, ताकि वो उनके खिलाफ कोई भी क्रूअल एक्शन ना ले सके। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आएगी रिजल्ट्स, कि जो न्यू पॉलिसी गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने स्टार्ट की थी उसके क्या नतीजे निकले। सबसे पहला पॉइंट है द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अ चेंज इन सिख रिलीजन। द न्यू पॉलिसी ऑफ गुरु हरगोबिंद ब्रॉट अ न्यू चेंज इन सिखिज्म एज इट ट्रांसफॉर्म द सिख फ्रॉम पायस फॉलोअर्स ऑफ नानक टू संत सोल्जर्स। कि जो गुरु नानक देव जी का स्टार्ट किया हुआ धर्म था सिखिज्म, जिसके अंदर उन्होंने लोगों को एकदम सिंपल प्योर लाइफ जीने के लिए बोला था, उन्हें बोला था कि आपने कोई भी वॉयलेंट एक्टिविटी नहीं करनी है, आपने किसी को हार्म नहीं करना, और वही सिख धर्म था उसको गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सोल्जर्स में कन्वर्ट कर दिया, उनको मिलिट्री ट्रेनिंग दी ताकि वो अपने जो सिख धर्म है उसको बचा सके और अपने लिए आवाज़ उठा सके। हु वर नाउ प्रिपेयर टू टेक अप द आर्म्स। आर्म्स यहाँ पर है वेपन्स, की टाइम रहते हुए उनको ज़रूरत पड़े वो हथियार उठा सके अपने बचाव के लिए और दूसरों के बचाव के लिए, ताकि मुगल्स जो भी उनके साथ क्रूअल एक्टिविटीज़ और एट्रोसिटीज़ कर रहे हैं उसका वो जवाब दे सके। किन पॉइंट है प्रोवाइडेड अ चांस टू सिख टू डिस्प्ले देयर एक्ट्स ऑफ ब्रेवरी। सो न्यू पॉलिसी अडॉप्ट करने से जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिखों को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की तो वहाँ से सिख धर्म के लोगों को अपना जो है टैलेंट दिखाने का एक मौका मिला कि वो कितने ब्रेव हैं, उनमें भी साहस है। वो ऐसी एक कह सकते हैं कम्युनिटी है जिनको इजीली दबाया नहीं जा सकता है, जिनके साथ क्रूअल एक्टिविटीज़ नहीं हो सकती हैं, वो अपने बचाव के लिए अपनी बात रख सकते हैं। हम ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जितनी भी बैटल्स हुई थी मुगल्स और सिखों के बीच में उसमें सिखों के पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, वेपन्स थे, और जो मुगल थे उस टाइम पर बहुत पावरफुल थे, तब भी सिखों ने ब्रेवरी के साथ वो सारी बैटल्स जो हैं काफ़ी हद तक जीती हैं, उन्हें मुँह तोड़ जवाब दिए। ये सारी चीज़ों से पता लगता है कि सिख कम्युनिटी जो है काफ़ी ब्रेव है। थर्ड पॉइंट है इट क्रिएटेड यूनिटी अमंग द सिख। तो न्यू पॉलिसी के रहते हुए गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने पूरी कोशिश की कि जो कोऑपरेशन है, जो यूनिटी है, जो ब्रदरहुड की फीलिंग है ये जनरेट की जाए सिखों के बीच में, ताकि वो लोग एक दूसरे की मदद कर सके, मिलकर जो है मुगलों के खिलाफ आवाज़ उठा सके। तो पूरी कोशिश की गई थी न्यू पॉलिसी के अंदर रहते हुए और ये ऐसा हुआ भी। फोर्थ पॉइंट है हिज ओन इम्प्रिजनमेंट इन द फोर्ट ऑफ ग्वालियर। अब गुरु हरगोबिंद सिंह जी की जो नई पॉलिसी थी, जो हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए, उसके तहत रहते हुए मुगलों ने उन्हें जो है पकड़कर ग्वालियर के फोर्ट में बंद कर दिया काफ़ी लंबे टाइम तक। तो ये भी एक रिजल्ट देखने को मिला था कि उनको जो है पकड़कर जेल में डाला गया। पॉइंट है इट पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द खालसा इन 1699 AD। द वर्क स्टार्टेड बाय द गुरु हरगोबिंद बाय हिज न्यू पॉलिसी वॉज ट्रांसलेटेड इन टू एक्शन बाय गुरु गोबिंद सिंह बाय एस्टैब्लिशिंग द खालसा इन 1699 AD। जो काम गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने न्यू पॉलिसी के तहत स्टार्ट किया था उस काम को कंटिन्यू रखते हुए जो सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने उसी चीज़ को खालसा का नाम देकर स्टार्ट किया था 1699 AD में, कि कम्प्लीटली जो सिख हैं उनको मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाएगी साथ के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी दी जाएगी। एंड में कॉन्क्लूजन 4 to 5 lines एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कॉन्क्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कॉन्क्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कॉन्क्लूजन लिखना इज मस्ट। आई होप यू विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस वीडियो और सिलेबस प्लीज़ कमेंट बिलो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ऑल द बेस्ट अचीवर्स, हैव अ नाइस डे।